गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स में लेसन थर्ड में आपका बलों के संयोजन में परिणामी बल और उसकी दिशा जो हमने ज्ञात किया था। लेकिन जैसे परिणामी बल आप लोगों ने निकाला था आर बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू अंडर रूट में पिछले वीडियो में, और जिसको पिछला वीडियो नहीं मिला है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, उसको पिछला वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पार्ट 3, ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग निकालेंगे जो विशेष स्थितियां होती हैं, जो जब दो बल लगते हैं उन दो बलों को जो विशेष स्थितियां होती हैं उन स्थितियों से हम लोग उनका परिणामी का मान और उनकी दिशा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे विशेष स्थितियों में आप लोग देख रहे हैं, आपका यहाँ पे है जब दोनों बल एक ही दिशा में हो, जो जब दोनों बल क्या हो एक ही दिशा में हो तो वहां पे आपका थीटा का मान क्या हो जाता है 0। थीटा का मान आपको क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब जब 0 हो जाएगा तो परिणामी बल का मान आर बराबर आपका क्या होता है सूत्र अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है आपका 1, तो यहां से बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। अब यहां से आपका फार्मूला बन जाएगा किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे आपका इसे लिख सकते हैं हम लोग पी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को जब रूट से क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो वहां से बन जाएगा आर बराबर पी प्लस क्यू। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों बल को हम लोग क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो जब हमारा दोनों बल को जोड़ेंगे तो वहां पे मान परिणामी का मान क्या होगा अधिकतम होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अधिकतम को दिखा देते हैं कि आर मैक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि परिणामी बल का मान कब अधिकतम होता है या किस स्थिति में होता है, तो आपको यही उत्तर देना है जब दोनों बल एक ही दिशा में होते हैं तो उनके परिणामी बल का मान क्या होता है अधिकतम होता है, यानी कैपिटल आर मैक्स बराबर पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे कोण अल्फा मतलब टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर जैसा कि सूत्र निकाले थे हम लोग क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, लेकिन अब थीटा के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू साइन 0 अपान पी प्लस क्यू कॉस 0। जैसा आप जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या जाता है 0 जाता है, और ये टोटल मान क्या है आपके यहाँ पे अपान में है यानी बटे में है, तो आप जानते हो किसी भी 0 में किसी भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है, यहाँ पे 0 यानी टेन अल्फा बराबर 0। तो टेन के पदों में जब हम लोग राइट करेंगे तो यहां से जाएगा टेन अल्फा बराबर टेन 0 डिग्री यानी अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। अब कंडीशन आपका दूसरा है ख वाला, जब दोनों बल परस्पर लंबवत कार्यरत हो, जब दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हो यानी उनके बीच में कोण कितने अंश का बने 90 अंश का, जब 90 अंश का बनता है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और परिणामी का मान आपका होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 90 डिग्री। जैसा आप लोग जानते हैं कॉस 90 का मान कितना होता है आपका, कॉस 90 का मान आपका होता है 0। तो किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या जाएगा आपका 0 यानी इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां से परिणामी का मान निकल जाएगा कैपिटल आर बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यह आपका परिणामी बल का मान हो गया। अब यहां से टेन अल्फा बराबर जैसा कि क्यू साइन 90 डिग्री अपान पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री, तो क्यू कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और क्यू साइन 90 साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1, क्यू में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू अपान पी यानी टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू अपान पी। इस तरह से आप लोग नोट कॉपी में इसे तैयार करेंगे। अगला हम लोग जो पार्ट होगा ग वाला अगले वीडियो में हम लोग आपको प्रेषित करेंगे। सो फार थैंक्स।